को डराया धमकाया गया, गिरफ्तार किया गया। बिला जवाज हमारे कागजात इनाम सदकी मुस्तरद किए गए। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैप में मेरे साथ शरीक मुलजिम बनाया गया। इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अंजामदही में मुकम्मल तौर जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो बड़ा अहम खत लिखा गया जिसमें कहा गया है कि मेरे खिलाफ जो है वो जाली मुकदमात बनाकर मुझे नैब के केसेज में फंसाया गया और हमारे ऊपर जो है जाली मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियां डाली गई। जब हमारे मेरे छोटे भाई अपने भाई को उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उसके कागजात नामजदगी मंजूर हुए तो उसको मेरे साथ जो है वो शरीक मुलजम बनाया गया, हमारे कारकुनों को जो है वो उठाया गया, डराया धमकाया गया, जिसके बाद जो है वो हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि मेरा जो ग्रुप है वो इलेक्शन से दस्तबरदार होगा। बुनियादी तौर पर जो है फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को ये खत में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जो उसका काम है वो करने में बिल्कुल नाकाम हुआ है, जिसकी वजह से जो फवाद चौधरी का ये ग्रुप है वो जेएलएम से इलेक्शन बुनियादी तौर पर उन्होंने लड़ना था, उससे उन्होंने इंतखाबात से जो है वो बाइकॉट का ऐलान किया है। जी।